केंद्र सरकार देश में आज बिजली बिल तय करने के लिए नया नियम लागू करने जा रही है। सरकार ने मौजूदा बिजली टैरिफ के दो सिस्टम में बदलाव किया है। सरकार बिजली के दरें तय करने के लिए दिन के समय टीओडी का नियम लागू करने वाली है। इस नियम के लागू होने के बाद उपभोक्ता दिन के समय के दौरान बिजली खपत का प्रबंधन कर अपने बिजली बिल में 20% की बचत कर सकेंगे। टीओडी नियम के तहत दिन के अलग अलग समय के लिए बिजली की दरें अलग अलग लागू होंगी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक बाप ने दूसरी शादी करने के लिए अपनी दो मासूम बेटियों का गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर डाली। वारदात को अंजाम देने के बाद फिर आरोपी जितेंद्र फरार हो गया। दर्शन जितेंद्र की पहली पत्नी रीना जितेंद्र की मारपीट से काफी परेशान थी। अपने पति के जुल्म के चलते रीना जितेंद्र के पास अपने दोनों बच्चों को छोड़कर हैदराबाद चली गई। इस बीच जितेंद्र ने भी दूसरी शादी करने की ठान ली, लेकिन दूसरी शादी के बीच में दोनों बेटियां रोड़ा बनी हुई थी, इसलिए जितेंद्र ने सोचा कि वह अपनी दोनों बेटियों को ही मार डालेगा ताकि वह दूसरी शादी कर सकेगा। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं, वहीं सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के 1993 की व्हाइट हाउस के बाहर खड़े हुए एक फोटो वायरल हो रही है। वहीं आज पीएम मोदी का उसी व्हाइट हाउस में ग्रैंड वेलकम हो रहा है। यूपी पुलिस भर्ती के संबंध में सीएम योगी ने एक अहम सूचना जारी की है। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि यूपी में पुलिस भर्ती में 20% महिलाओं की हिस्सेदारी अनिवार्य किया गया है। बता दें कि राज्य में जल्द ही यूपी पुलिस में कांस्टेबल के 52,699 पदों पर भर्ती शुरू होने वाली है। यूपी सरकार ने कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड जुलाई में इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। न्यूयॉर्क के आसमान में पीएम मोदी और जो बाइडेन के समर्थन में एक विशाल बैनर आसमान में उड़ते दिखाई दिया। उत्तराखंड के केदारनाथ ट्रैक से एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है, जहां एक घोड़े को जबरन दबोचकर स्मोक कराया जा रहा है। इस वीडियो के वायरल होते ही लोगों में मासूम जानवर के प्रति दिखाई गई क्रूरता को लेकर काफी गुस्सा और पुलिस से कार्यवाही की मांग कर रहे हैं।